वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता हूँ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज से हम टैक्सोनॉमिक स्टडी शुरू कर रहे हैं एंटमोलॉजिकल क्लासेस में, और वो है सबसे पहला ऑर्डर हमारा जो ए टेरिगोटा का है, वो है ऑर्डर एप्टेरा। दिस वॉज द ऑर्डर ओरिजिनली क्रिएटेड बाई लीनियस 1758। लेकिन ध्यान रहे कि लीनियस ने जो एप्टेरा अपने समय में प्रतिपादित किया था, उसमें दूसरे बहुत सारे अन्य ऑर्डर्स के कीड़े भी मौजूद थे, उन्होंने उसमें शामिल किए थे, जैसे कि एनोप्लूरा यानी अनेक तरह की लाइस वगैरह जो थी वो भी उस ज़माने में एप्टेरा में मौजूद थी, या दूसरे बहुत सारे कीड़े जिसमें कि पंख नहीं थे वे ब्रॉडली एप्टेरा में शामिल किए गए थे। लेकिन हम यहाँ जिस एप्टेरा की बात करेंगे वो अपने आप में पूरी तरह से आइसोलेटेड या सेग्रीगेटेड एप्टेरा ऑर्डर है। हालांकि नाम हमने लीनियस का 1758 ईयर में जो उन्होंने लिया था उसको अपन ने बरकरार रखा है। आमतौर पर इन्हें कॉमनली हम कैम्बोडिट्स, आईपाइजिट्स एंड प्रोजेपाइजिट्स कॉल करते हैं। इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स अपने आप में यूनिक हैं, जैसे कि एटेरिगेट के होते हैं बहुत छोटे सफ़ेद या क्रीम कलर के अंधे, इनकी आँखें नहीं होती हैं, यानी कंपाउंड आई और ओसिलाई दोनों ही एब्सेंट होती हैं। फ्लैट बॉडी है, एप्टेरस इंसेक्ट हैं यानी बिना पंखों के वे इंसेक्ट हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में थायसेन्यूरा, एक दूसरा ऑर्डर है एप्टेरिगोटा का, उससे मिलते जुलते हैं। हम आगे थायसेन्यूरा के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड आई एब्सेंट हैं, ओसिलाई एब्सेंट हैं, जैसा बताया कि अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता, और प्रिमिटिव मेटामॉर्फोसिस है, इनमें बहुत सरलतम तकनीक का मेटामॉर्फोसिस है, यानी निम्फ लगभग उत्पन्न होता है। और जैसा हम एटेरिगोट के करेक्टर को जानते हैं कि इनमें मोल्टिंग एडल्ट होने के बाद भी, यानी प्रजनन तंत्र विकसित होने के बाद भी मोल्टिंग होती रहती है। एंटीना बहुत लंबे हैं, काफ़ी सेगमेंट के हैं, कॉक्सल अपेंडिजेस एब्सेंट होते हैं, टारसी एक या एक सेगमेंट की ही होती है। स्टाइली कुछ एब्डोमिनल स्ट्रोमाइट पर होती है, नीचे की तरफ से छोटे छोटे दोनों तरफ स्टाइली निकले रहते हैं, और सरसाई काफ़ी लंबी और बहुत अधिक सेगमेंटेड होती है, छोटे और एपिकल ओपनिंग के साथ में, और रिप्लेस्ड बाय पेयर ऑफ शॉर्ट स्क्लेराइज्ड पिंसर्स विदाउट ए मीडियल कॉर्डल फिलामेंट, बीच का फिलामेंट इनमें नहीं होता है, सिर्फ दो कॉर्डल सरसाई होती हैं। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल, कैम्पोडिया फॉल्सोमी सिल्वेस्ट्री, दिस वॉज ओरिजिनल इंसेक्ट डिस्क्राइब्ड इन एप्टेरा। इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स देखें, लेग्स हैं, कॉक्स है बहुत छोटा है, टारसी तीन या चार सेगमेंटेड है विद टू और थ्री क्लॉज, एबडामन स्टाइली फॉर्म अपेंडिजेज हैं, सरसाई बहुत लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड है, मीडियन फिलामेंट इसमें उपस्थित नहीं है। देखें यहाँ पर कंपाउंड आईज और ओसिलाई दोनों ही अनुपस्थित हैं। इनकी हैबिटेट, दीज इंसेक्ट्स डेफिनेटली शन द लाइट एंड आर टू बी फाउंड मोस्ट अबंडेंटली इन डैम प्लेसेस अंडर डेड लीव्स, वेजिटेबल मोल्ड, लिटर, रॉक्स, लॉग्स, बार्क एंड इन सॉइल रिच इन ह्यूमस। ये कीड़े यानी ये इंसेक्ट प्रकाश से दूर रहने के आदि हैं, दूर रहते हैं और अधिकतर बहुत बड़ी मात्रा में सीलन वाले स्थान यानी कि मरी हुई सूखी या गीली पत्तियाँ, वेजिटेबल मोल्ड यानी कि काफ़ी तरह की एल्गी, लिटर्स, चट्टाने, लॉग्स यानी मोटे मोटे लट्ठे, छाल और मिट्टी, जो उसमें कि काफ़ी बड़ी मात्रा में ह्यूमस हो उसमें ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एलर्सिटी के साथ में, एलेक्रिटी यानी कि अलर्टनेस के साथ में ये मूव करते हैं, और सीक कंसीलमेंट, जितनी तेज़ी से ये किसी छुपने वाले स्थान में प्रवेश कर सकें उतनी तेज़ी से रैपिडली ये वहाँ पर छुपने वाली जगह तलाश कर उसमें घुस जाते हैं। इनका भोजन लिविंग और डेड वेजिटेबल मैटर को बिलोंग करता है, यानी कि जीवित या मरा हुआ वेजिटेबल मैटर है, फंजाई है, और शायद बहुत बारीक जानवर की भी जो जीवन लाइफ है वो भी इनके भोजन में शामिल की जाती है, ये खा सकते हैं उसको। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के सभी टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये पाए जाते हैं। एसिक 1941 के अनुसार कि लगभग इसमें 100 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज हैं इस ऑर्डर में, एप्टेरा में, जो कि इसमें पाई जाती हैं। मॉर्फोलॉजी एंड एनेटमी, राइट हैंड की तरफ यहाँ पर एनेजेपिक्स की एक स्पीशीज़ बनी हुई है, और इसके स्ट्रक्चर्स के विस्तृत यानी नीचे कॉडल एंड पर ये ट्यूब्यूल भी है इसके साथ, और बहुत सारे स्पिक्यूल हैं वो दिखाई देते हैं। तो दे आर अमंग द मोस्ट प्रिमिटिव इंसेक्ट, हार्डली अटेनिंग द लेंथ ऑफ 8 to 10 मिलीमीटर,
यानी 8 से 10 मिलीमीटर इनकी अधिकतम लंबाई होती है। दे आर यूजली वाइट बिकॉज ऑफ देयर सिल्यूटेड एंड सबटेरेनियन हैबिट्स, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे और छुपे हुए जगह पर जहाँ रोशनी नहीं आती है, जहाँ धूप नहीं पहुँचती है, वहाँ रहते हैं। अतः इनका रंग लगभग पूरे शरीर का सफ़ेद दिखाई देता है। दे हैव रादर लॉन्ग एंटीना एंड आइदर लॉन्ग और शॉर्ट सरसाई विच मे बी रिप्लेस्ड बाई ए पेयर ऑफ शॉर्ट डार्कर स्क्लेरोटाइज पिंसर्स और फॉरसेप्स। इनमें बहुत लंबा एंटीना है, ध्यान से देखें, लगभग 25 से 30 सेगमेंट या उससे अधिक हो सकता है। छोटा सा सरसाई है, एनल सरसाई देखें नीचे की तरफ, जो कि एक छोटी सी पेयर, एक जोड़ी छोटा गहरे रंग का स्क्लेरोटाइज पिंसर या फॉरसेप्स से रिप्लेस्ड हो सकता है। साधारणतया इन जनरल दे हैव मच इन कॉमन स्ट्रक्चरली विद देयर नियर रिलेटिव्स द थायसेन्यूरा। थायसेन्यूरा हम अभी पढ़ेंगे आगे, इनके साधारणतया काफ़ी सारे संरचनाएँ थायसेन्यूरा से मिलती जुलती हैं, जिससे ये अभी थोड़े समय पहले ही इनको अलग किया गया है। पहले ये थायसेन्यूरा में ही शामिल थे। सम ऑफ द चीफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज आर, थायसेन्यूरा से थोड़े से प्रमुख बिंदु अंतर के हैं, जैसे कंपाउंड आइज और ओसिलाई एब्सेंट हैं, लेस प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट और अधिक प्राथमिक तौर के हैं, एनक्लोज विद इन द हेड, थायसेन्यूरा में बाहर आते हैं मुख, ये हेड से बाहर आते हैं, यहाँ पर हेड के अंदर होते हैं माउथ पार्ट, विच करेक्टरिस्टिक गिव्स द नेम ऑफ द ऑर्डर। मैंडिबल्स आर एंटायर टूथ्ड एंड इन सम केसेस हैव ए स्मॉल प्लेट लाइक अपेंडिजेस लेसिना मोबिलिस नियर द एपेक्स। द मैक्सिलरी एंड लेबियल पाल्प ही ग्रेटली रिड्यूस्ड और एट्रोफीट। मैक्सिलरी और लेबियल पाल्प बहुत अधिक संक्षिप्त होते हैं और रिड्यूस्ड भी होते हैं। द कॉक्सल स्टाइली और एक्सोपोडाइट एब्सेंट, द टार्सी वन सेगमेंट। हम इस बात को जानते हैं कि जितने भी अपेंडिजेज होते हैं उनके तीन भाग होते हैं, एक तो बेसोपोडाइट होता है और उसके नीचे बाहर की तरफ दो पोडाइट होते हैं, जिसमें बाहर वाला एक्सोपोडाइट कहलाता है और अंदर वाला एंडोपोडाइट कहलाता है। आमतौर पर सभी अपेंडिजेज में या तो एक्सोपोडाइट ही मौजूद होता है या एंडोपोडाइट ही मौजूद होता है, या फिर दोनों मौजूद होते हैं, जैसे हम प्रॉन में उसके स्विम रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। टार्सी इन जानवरों में सिर्फ एक ही सेगमेंटेड होती है। 11वां एब्डोमिनल सेगमेंट एक छोटा सरेनल प्लेट की तरह से बना होता है और एब्डोमिनल स्टर्नाइट 1 से 7 या 2 से 7, सिंगल पेयर ऑफ प्रोट्रूसिबल वेसिकल ऑन एब्डोमिनल स्टर्नाइट 1 से 7 या 2 से 7 और सेकंड और टोटली एब्सेंट। एब्डोमिनल प्रोट्रूसिबल वेसिकल जो है वो उस पर पूरी तरह से एब्सेंट भी होते हैं। द सरसाई वेरिएबल होती हैं। मेलपीजन ट्यूबल्स वॉन्टिंग और रिप्रेजेंटेड बाई पेपली ओनली। द नंबर ऑफ थॉरेसिक एंड एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स वेरिंग फ्रॉम 3 to 11 पेयर्स। थॉरेसिक और एब्डोमिनल स्पाइरिकल 3 से 11 जोड़ी तक होते हैं। 3 thoracic and 7 or 8 एब्डोमिनल गैंग्लिया आर प्रेजेंट। थॉरेक्स में 3 or 7 or 8 एब्डोमिनल गैंग्लिया इस ग्रुप के जानवरों में मौजूद होते हैं। इस ऑर्डर में 4 फैमिली हैं। अगर हम उनकी कीज को वर्कआउट करें तो सबसे पहले सरसाई नॉट सेगमेंटेड पिंसर लाइक एडल्ट आईपाइजिड्स, आईपाइजिडी फैमिली है, इसका अल्टरनेट करेक्टर है सरसाई सेगमेंटेड, यानी हमें 2 नंबर बिंदु पर जाना पड़ेगा। 2 नंबर बिंदु पर सरसाई ओपन एपिकली आगे से खुली होती है, प्रोजापाइजिडी फैमिली है, और सरसाई अगर नहीं खुली होती तो हमें 3 नंबर बिंदु पर जाना पड़ेगा। 3 नंबर बिंदु पर जाएं तो देखें सरसाई एज लॉन्ग एज द लॉन्गर देन द एंटीना, एंटीना के बराबर सरसाई अगर लंबाई में बराबर है तो कैंपोडिडी है फैमिली, और यदि सरसाई एंटीना से छोटी है तो यंग जेपाइडिडी आईपाइडिडी, तो उसमें आईपाइजिडी में ये कीड़े शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से जो की है वो इसकी फैमिलीज के बारे में और कुछ करेक्टर्स के आधार पर हम जान सकते हैं कि इस ऑर्डर में ये 4 फैमिली हैं अकॉर्डिंग टू एसिक 1941। वेल दिस इज़ अबाउट द ऑर्डर एप्टेरा, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एप्टेरा। आई होप दिस इज एनफ एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाई रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। थैंक यू।